जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी सब बच्चे बता देंगे, वॉइस क्लियर है, फोटो ब्यूटीफुल है। ठीक है, वॉइस क्लियर है, फोटो ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई। स्वागत है सबका प्रोबेबिलिटी की इस डे फोर में। स्टार्ट करते हैं और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी लगाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज प्रोबेबिलिटी का डे फोर हम स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताने वाला हूं। कुछ वेन डायग्राम बेस्ड की बातें हम करेंगे जो हमने सेट चैप्टर में पढ़ी थी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, और उनके ऊपर हम कुछ कुछ बातें करके आपको सीधा सीधा कंडीशन प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि वेन डायग्राम जो मैंने पढ़ाए थे आपको सेट के अंदर, देखेंगे सामने, मैंने आपको बताया था पी ऑफ ए यूनियन बी, मैंने आपको एन ऑफ ए यूनियन बी बताया था, क्योंकि उस टाइम सेट पढ़ रहे थे तो एन यूज करते हैं और जब हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं तो पी यूज करते हैं। ए यूनियन बी, दो इवेंट्स अगर हैं तो ए, इधर ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम ए और बी भी कहते हैं, जिसको हम ए प्लस बी भी कहते हैं, जिसको हम एटलीस्ट वन ऑफ ए बी भी कहते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है सैंपल स्पेस एंड दिस इज ए यूनियन बी। If you want to find the probability of happening these two events, either A or B, अगर आप either A or B की probability को निकालना चाहते हो तो formula same है जो हमने पढ़ा है actual में, but P आ रहा है, बस इतना ही फर्क है। तो एक बार मैं brush up कर रहा हूँ बस चीजों को, पूरा का पूरा explain तो नहीं कर रहा। उस time तो मैंने बहुत तगड़े तरीके से explanation दी थी चाय और coffee वाले examples देके, अगर आपको याद हो। दूसरा formula P of A union B का कॉम्प्लीमेंट C लिख देता हूं, इसको हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, इसको हम नीदर A नॉर B भी कहते हैं, इसको हम नॉट A एंड नॉट B भी कहते हैं। क्या चांसेस हैं कि ना तो A में ना B में, क्या चांसेस है कि ना तो ए में ना बी में, ये वाले लोग बार वाले। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, टोटल वन होता है, वन में से इधर ए और बी माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट हटाने का जो तरीका है प्रोबेबिलिटी में, कॉम्प्लीमेंट हटाने का जो तरीका है वो वन में से माइनस करना है। क्या है? वन में से माइनस। अगर आप वन में से माइनस कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा तीन बातें और कर लेता हूं, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे टूट के पढ़ेंगे। ए माइनस बी, जिसको हम ए बट नॉट बी भी कहते हैं, जिसको हम ओनली ए भी कहते हैं, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और इसको निकालते हैं ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस। अगर आपने सेट वाले नोट्स बनाए हैं और सेट वाले नोट्स बनाए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। एक मिनट में आया यार।
यहाँ पे ओनली ए था ही, ओनली ए का मतलब होता है कि ये पार्ट, फिर आता है ओनली बी, जिसको हम बी बट नॉट ए भी कहते हैं, इसको बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, मतलब बी में से आप माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। पांचवा है ए डेल्टा बी, इन दोनों का एडिशन होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों का एडिशन करना होता है, इसको एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी भी कहते हैं। ये सब चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, इसलिए मैं फ्लो में लिख रहा हूं अभी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है इसलिए मैंने, हाँ दिखा देता हूं बेटा, फ्लो में लिख रहा हूं, मतलब एग्जैक्टली ए एंड बी, मतलब दिस वन ओनली ए प्लस ओनली बी, दोनों के दोनों रिजल्ट्स को बस ऐड करना है आपको। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दो बार माइनस हो रहा है तो टू टाइम्स हो गया। So this is it. ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जहां आपने सेट के फॉर्मूले लिखे हैं बस उसमें एन की जगह पी करना है, ये सब पढ़ चुके हो, पढ़ा चुका हूं। नाउ द पॉइंट कम्स कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, ये सब तो पढ़ चुके हो आप, बस फर्क इतना है वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था या फ्लो में लिख दिया। मैंने बोला था सेट के वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत काम आते हैं प्रोबेबिलिटी में, पिछले क्लास तक पीएनसी काम आई थी, पीएनसी तो एंड तक चलेगी, अब क्या काम आ रहा है, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काम आ रहे हैं, वेन डायग्राम जो मैंने कराए थे उस वो काम आएंगे। अभी मैं तीन वाले ले रहा हूं, इसी ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की क्लास में हम खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, मजेदार क्लास होने वाली है आज की, जो हमेशा ही रहती है, अब और मजेदार बनाऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो एक ना वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कौन सा इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है जब दो इवेंट में कुछ कॉमन ना हो, या कह सकते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो उस केस में ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बस माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। डिजॉइंट सेट, बहुत बढ़िया, यही अगर सेट में बोले तो इसको डिजॉइंट बोलते हैं, और यही प्रोबेबिलिटी में इसका नाम हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोलो क्लियर है मामला, ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, जल्दी बताएंगे बेटा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी P of A plus P of B फिर आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, जब यूनियन करने पे सैंपल स्पेस बन जाए, दो या दो से ज्यादा सेट्स को हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कहाँ पे आना है मैम, मेरी कुछ बताया नहीं किसी ने, मैं तो सर से मिल के आया था बस।
नहीं नहीं आई डिडंट नो, मैंने सर को बोल दिया था कि मेरा तो मुश्किल है, मैं 2 ही दिन आ पाऊंगा बस, और मुझे तो कुछ टाइमिंग हुई, किसी का मैसेज नहीं आया कुछ। नहीं 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 अभी मैं आ ही नहीं जाऊंगा, 1-2 दिन आ ही नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है तो कभी दो इवेंट्स का यूनियन करने पे अगर सैंपल स्पेस आ जाता है, दो इवेंट्स का यूनियन करने पे अगर सैंपल स्पेस आ जाता है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उस केस में ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ये रहेगा ना फॉर्मूला, तो ये रहेगा, बस फर्क इतना है इक्वल टू 1 लिखेंगे आप, इक्वल टू 1। वो बात है कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा नहीं होगा वो देख लेंगे, इंटरसेक्शन अगर होगा तो भाई देख लेना, नहीं होगा तो हटा देना। मतलब अब एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, तो उस केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पता इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है 0, और एग्जॉस्टिव भी है तो एग्जॉस्टिव का मतलब है यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1, तो उस केस में पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना कि नहीं? सारा बेसिक रिवाइज करा रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जा तू। ठीक है ना, अ कार्ड, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अ कार्ड इज ड्रॉन, मैं तो कहूंगा मेरी कॉपी के ही क्वेश्चन रिवाइज कर लेना कोई बच्चा, और पी वाई क्यूज कर ले सीधा, कोई बुक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, कॉपी रिवाइज कर ले मेरी, उसी में करीब 2000 क्वेश्चन तो पूरे कोर्स में उसी में मिल जाते हैं, और पी वाई क्यूज कर ले बस, चला जाए पेपर देने। मॉक्स तो करने हैं, मतलब किसी बुक की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब है पी वाई क्यूज के अलावा, तो पी वाई क्यूज में साथ साथ करवाते रहता हूँ। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू माई कॉपी, माई क्लासेस एंड मॉक्स, दैट इज द मस्ट। किसी भी प्रिपरेशन को करना है मजबूत तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स कम से कम, नहीं भी करते हो कम से कम तब भी 5 तो करो ना, कम से कम फुल वाले करने तो ज्यादा चाहिए, 5 तो करो। अ कार्ड इज ड्रॉन, कि मैंने यार इतनी मेहनत करके कोर्स बना रखा है, जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे ऐसे नहीं लिख देता कुछ भी, बहुत सोच समझ के बहुत बारीकियों के साथ ये चीजें बनाई हुई हैं। एक एक क्वेश्चन इस तरह से डिजाइंड है कि बच्चा अगर कर लेता है तो भाई मुझे नहीं लगता कि कॉपी से बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट निकला होगा यूपीएससी के पेपर में जो 120 क्वेश्चन आते हैं अभी तक। तो मेरा पूरा प्लान है, इन द न्यू सेशन माई कॉपी इज कमिंग इन द मार्केट हैंड रिटन। ठीक है ना, आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क, 6 दिन पहले ये काम स्टार्ट किया है मैंने। मतलब मैं जितने मैं चीजें बताता हूँ क्लासरूम के अंदर, आई एम कन्वर्टिंग देम दोज वेरी थिंग्स इन टू कॉपी हैंड रिटन, दैट विल बी वेरी मोटी कॉपी, नॉट छोटी कॉपी, पूरे क्लासरूम नोट। इसी तरह से एक वन छोटी कॉपी इज ऑल्सो कमिंग, बट दैट विल बी हैंड रिटन, नॉट प्रिंटेड यार, टाइप करवा ली, नो खुद लिखूंगा आज से, कोई एरर का पंगा ही नहीं। ठीक है ना, लेट्स सी व्हेन इट कम्स। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड इज ईदर रेड और फेस कार्ड। ये ईदर और कभी भी दिखे, ईदर और इट मीन्स ईदर और कभी भी दिखता है तो समझ लो यूनियन लगाना है।
वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट स्कूल वाले तरीके से. वी हैव जस्ट कम टू नो दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम यूनियन. दिस क्वेश्चन इज यूनियन. 52 पत्तों से एक कार्ड निकाला है. क्या चासीज है वो, या तो रेड हो या फेस कार्ड हो. तो ए को मैंने बोल मान लिया कि ड्रॉन कार्ड इज रेड कार्ड, और बी को मान लिया ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड, और इधर और लिखा है तो यूनियन निकालना है. रेड कार्ड यूनियन फेस कार्ड. रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी माइनस. रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, एक कार्ड निकाला ना, दो निकालता तो 26C2/52C2 करता. फेस कार्ड होते हैं 12/52, और रेड फेस कार्ड होते हैं 6/52. 26 और 6 हो गया 32/52. सच्चा 4×8=13 आंसर आ गया. 8/13 आंसर आ गया. हेलो, हाँ जी, मैं बताता हूँ मैम अभी, है ना, आपको क्लास में था, मैं अभी मैं बताता हूँ. बहुत है यार डीपीपी जितेंद्र भाई, बहुत है यार, करता रहे बस, लगे रहना. देखो मैं बस इतना बोलूंगा, डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है ना, ठीक है ना. इस तरह से सोचा करो, वर्स्ट केस को भी लेके सोचना तो सोच लो ना यार. लेकिन वर्स्ट केस लेके तुम एंजाइटी में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो. वर्स्ट केस क्या होगा, नहीं होगा, यही सोच के कर रहे हो ना. अगर ये सोच रहे हो तो कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा भाई. वो कहते हैं ना, कुछ नहीं है तो तजुर्बा तो आई, एक्सपीरियंस तो आई. कुछ नहीं होता, लगे रहो, घबराना नहीं है बस. और ये पूरे 60 दिन पड़े हैं, इसमें पूरी जान लगा दो, आग लगा दो, आग जान के साथ आग भी लगा दो चारों तरफ. हाँ, असली में आग मत लगा देना कहीं जाके, सर ने बोला था आग लगा दो, पेट्रोल लेके आग लगा दो. ठीक है, ये नहीं करना है. मतलब कहने का ये कि मतलब ऐसे एफर्ट मार लो, ठीक है ना. ये पता याद रखना, कंपटीशन की पढ़ाई आपकी जिंदगी को मजबूती देगी, आपके दिल को भी मजबूत करेगी, आपको एक्सपीरियंस देगी, आपको बहुत कुछ सिखाएगी. और यू विल एंजॉय दिस मोमेंट एंड यू विल रियली मिस दिस मोमेंट लेटर. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप याद करोगे यार कि अनुसर की क्लासेस हुआ करती थी, है अनुसर पढ़ाया करते थे, मजाक होता था क्लास में, क्या पढ़ाते थे अनुसर. ऐसे यार तुम बताया करोगे अपने बच्चों को यार, बड़े हो जाओगे जब तुम, ठीक है ना, तो तुम बताना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें याद आएगी मेरी. तो एंजॉय दीज मोमेंट्स, समझ रहे हो. क्वेश्चन टू ले उसी बात, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ऑर्डिनरी ईयर हैज ईदर 53 Mondays or 53 Tuesdays. Find the probability that in ordinary year has 53 Mondays or 53 Tuesdays. ये either or लिखा हुआ है, तो 53 Mondays or 53 ट्यूजडे, मतलब यूनियन निकालना है. तो 53 मंडेज प्लस 53 ट्यूजडेज माइनस 53 मंडे इंटरसेक्शन 53 ट्यूजडेज. 53 मंडे होने का एक तरीका है, 1/27 और 1/7, इसका भी 1/7, और इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि जो 53 मंडे आए हैं इसका एक ही तरीका होगा, जो एक दिन बच जाता है 365 में. 365 में जो एक दिन बच जाता है वो मंडे होता है अकेला, और 53 ट्यूजडेज में 365 में जो एक दिन बच जाता है वो सिर्फ ट्यूजडे होता है, इसलिए 53 हो जाता है. कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. 2/7 आएगा. मतलब अगर कोई बोले कि 53 एक ऑर्डिनरी ईयर में एक इवेंट बनाया 53 मंडेज का, एक इवेंट बनाया 53 ट्यूजडे का, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए. 2/7 आंसर आ गया, मुचली एक्सक्लूसिव. हेलो जयंत, बोलो
आ जाएंगे 10 तारीख को है पहला मौका आपका ना। अभी ना क्लास में था बेटा मैं, ठीक है, तू मुझे कर लियो कॉल बच्चे 12:30 बजे करते हैं डिस्कस है। वो हमारे ना, मैं ये जो रफ्तार सीरीज चालू करी थी आज से 2020 के मिड से करी, तो हमारे ना यहाँ पे एक जेरोक्स होता है जिसको हम निकलवाते हैं, फिर पूरा प्रॉपर पिन करते हैं, सील लगाते हैं पेपर पे, फिर उसको पैकेट में डालते हैं OMR शीट्स के साथ, प्लानर के साथ, फिर कुरियर में जाता है और बच्चों के घर पहुँचता है। तो हमारा जो फोटो शेट वाला बंदा था जो करता है काम, वो उसके कोई गांव में किसी की डेथ वेथ हो गई जिसकी वजह से वो वहीं पर है, इसके थोड़ा डिले हो गया। तो आई पोस्टपोन माई 5 तारीख वाला जो टेस्ट है वो 10 तारीख को, तो पहला टेस्ट 10 को है। 11 जो मॉक टेस्ट हैं आपके फुल लेंथ वाले, उनकी डेट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है 10 तारीख के आसपास, तो आपको पहले मिल जाएंगे अगर किसी बच्चे ने ऑर्डर किया हुआ है तो। उसका प्लानर जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 10 तारीख वाला 11 तारीख को होगा डिस्कस, 13 तारीख वाला 14 तारीख को होगा डिस्कस, बस इतना ही फर्क है, समझ लो आपको 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए गए उसके लिए। 53 मंडेज एंड 53 ट्यूजडेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यही बच्चे का कॉल आया हुआ था, हमारे अग्नि बैच का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वही पूछ रहा था मुझसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डायट। लीप ईयर हैज 53 मंडेज और 53 ट्यूजडेज। अब लीप ईयर है, लीप ईयर है 53 मंडेज यूनियन 53 ट्यूजडेज, 53 मंडे प्लस 53 ट्यूजडे माइनस कॉमन, 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, क्योंकि 53 मंडे होने के लिए जो 2 दिन बच जाते हैं, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, 52 तो सब होते हैं, सारे दिन 52 तो होते ही हैं, लेकिन जो 3 दिन बच जाते हैं, 2 दिन बच जाते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे। तो 2 इसलिए आया क्योंकि मंडे होने के 2 तरीके हैं, ना तो संडे मंडे बच जाए तब 53 मंडे हो जाएंगे, या मंडे ट्यूजडे बच जाए तब 53 मंडे हो जाएंगे, तो 2/7। 53 ट्यूजडे होने के भी 2 तरीके होंगे, 2/7 होगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 53 ट्यूजडे होने के लिए जो 2 दिन बच जाएंगे, those 2 days could be संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे एंड ट्यूजडे वेंसडे, तो मंडे ट्यूजडे वाला पार्ट कॉमन आ जाता है इसमें, आंसर आ जाएगा 3/7। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यार, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, दे आर नॉट क्वेश्चन, दे आर जेम्स, मतलब दीज आर द क्वेश्चन दैट विल डेवलप योर कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं क्वेश्चंस, आपको सारा कुछ ब्रशअप करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अ बैग देयर आर 50 नट्स एंड 80 बोल्ट्स, बोल्ट से हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड एंड 40% बोल्ट्स आर नॉन रस्टेड। टू आइटम्स आर सिलेक्टेड from a bag, find the probability that they are neither nuts nor rusted। क्या चांसेस हैं कि जो दो चीजें हमने निकाली हैं, दो आइटम निकाली हैं, ना तो रस्टेड है ना नट है, ना रस्टेड है ना नट है, नीदर नट्स नॉर रस्टेड।
शादी होगी तब तो बच्चों को बताएंगे। अच्छा शादी तो हो ही जाएगी तेरी यार, शादी तो हो जाएगी, शादी करना आसान है आज, मैनेज करना मुश्किल है। ठीक है ना, मैंने उस दिन बताया था ना, तीन चीजें जिंदगी में कभी नहीं करनी, घर वालों की मर्जी की शादी, अपनी मर्जी की शादी और शादी। ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था कि तुम आगे जाओगे तो मुझे याद रखोगे, इन क्लासेस को याद रखोगे। हाँ वो तो शादी वैसी वर्ड यूज कर लिया मैंने, ठीक है ना। हाँ तुम लोगों को डराने के लिए। ठीक है, देखो जब तक डर नहीं होगा तब तक आप करोगे नहीं कुछ, याद रखना डर बहुत जरूरी है। एक बैग के अंदर 50 नट हैं और चचा 80 बोल्ट हैं, तो टोटल आइटम कितनी हो गई? आइटम कितनी है ये, कितनी आइटम है? 130 आइटम है, ये बैग है बड़ा सा। अब इसमें आधे नट्स रस्टेड हैं, 25 रस्टेड हैं और 25 रस्टेड नहीं है, 40% बोल्ट नॉन रस्टेड है, मतलब 60% जो है रस्टेड है और 40% जो है वो नॉन रस्टेड है। ये हमारा बैग है, ये क्या है हमारा बैग है। व्हाट आई डिड, आई ड्रॉन टू आइटम, मैंने दो आइटम बाहर निकाल ली, तो सैंपल स्पेस तो भाई कोई दिक्कत ना हो, 130 सी दो अब बनेगा भाई। अब ये निधर मांगे है, तो निधर मांगे तो वन में से इधर माइनस कर दिए, यो निधर मांगे नीदर एन और बी, इट विल बी वन माइनस ईदर ए और बी, मीन्स वो मंग रहा है नीदर नट्स नोर बोल्ट, वन माइनस नट्स बोल्ट नहीं, सॉरी नीदर नट्स नोर रस्टेड, वन माइनस ईदर और रस्टेड, नट्स और रस्टेड, नट्स प्लस रस्टेड माइनस एन इंटरसेक्शन। अब नट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके हाथ में नट्स आ जाएं तो नट्स कितने हैं, 50, 50C2 अपॉन में 130C2, रस्टेड कितने हैं, 25 और 48, 48 और 5 53, 73 हो गए, 73C2 अपॉन में 130 सी माइनस रस्टेड नट कितने हैं, 25, तो 25 सी दो अपॉन में 130 सी दो, तो 50 × 49, 73 × 72। देखो मैंने कैलकुलेशन बड़ी वाला क्वेश्चन दे दिया है, बड़ा क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेशन वाला, वहां पे इजी वाला आता है, अगर बड़ा भी आएगा तो देखो सॉल्व तो करना पड़ेगा, कुछ कटता हो काट के वन में से माइनस करना, आंसर की प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी, आंसर की प्राप्ति होगी। समझ आया, नीदर नॉर आएगा तो वन में से माइनस करना है, नीदर नॉर आएगा तो वन में से माइनस करना है, जल्दी बता देंगे बेटा, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, मामला ओम प्रकाश कर देंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे चैप्टर है, इसे 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, और देखा आपने 2016 के क्वेश्चन में कल करा रहा था, वो कितने बच्चे बच्चे आए हुए थे क्वेश्चन, एक कार्ड निकाला क्या चांसेस है, वो कार्ड एस 1/52 आया है ना, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। कॉल पे सर, शिवांश तिवारी, शिवांश कहता है मुझे कॉल पे ले लो, शिवांश कहता है मुझे कॉल पे ले लो, आ जा भाई कॉल पे, किसने बना के लिए हैंड रेस को मैं क्लिक कर देता हूँ बटन, आ जा कॉल पे, यस शिवांश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सर, मैं ये कह रहा था कि ना इस क्वेश्चन को है, सर मैंने अलग तरीके से किया है, एक बार बता दो सर वो सही है या फिर गलत है। बता 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 कौन सा तरीका है भाई, हम भी सीखेंगे थोड़ा। सर पहले ना हमें क्या चाहिए कि ना नाइदर नट्स नॉट रस्टेड, तो मतलब नट्स को तो सर सारे हटा देंगे, 50 नट्स मतलब बाहर,
और सर 80 बोल्ट का 40% जो है वो नॉन रस्टेड है, मतलब क्यों सर जीवन थर्टी को टू बोल्ट कॉम्प्लिकेटेड करना है यार? सर 32 वोल्ट नॉन रस्टेड है, तो मतलब 32/130C2 बस कब ज्वाइन किया ना मैं ही सिंफनी? सर। अग्निवेद से ही हूँ मैं, आपको अच्छा पता तो बेटा, उस चीजों को सेट चैप्टर नहीं पढ़ा? सेट चैप्टर पढ़ा है सर। बेटा एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा कि तेरा आंसर नहीं आएगा, बट इट इज नॉट द बेस्ट वे, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन है इसमें, मतलब मजा नहीं है इसमें, ठीक है? आपको क्या करना है, ठीक है जैसे मैं सर, करा रहा हूँ बेस्ट तरीका, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के है, हर क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, तीन में तो हो ही नहीं पाएगा, तीन में फंस जाएगा, ठीक है ना? इसलिए बड़ा सीधा तरीका है, पहले पूरे नेट की प्रोबेबिलिटी निकाल ले, नेट कितने हैं 50, फिर रस्टेड की निकाल ले। अब रस्टेड की निकालते वक्त टोटल रस्टेड देखना है बेटा, ठीक है अमन? टोटल रस्टेड देखना है, टोटल रस्टेड कितने हैं? 2548। आर की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, पूरे आर की निकालनी है, पूरे रस्टेड की निकालनी है, ठीक है? और रस्टेड कितने हैं मेरे भैया? 25। नट रस्टेड है 48, बोल्ट रस्टेड है 73, में से दो निकाल दो, फिर कॉमन आ गया। तो कॉमन आ सर ये गया, कॉमन एक बार बता दो कैसे निकाला। रस्टेड भी हो और नट भी हो, नट भी हो और रस्टेड भी हो, नट रस्टेड कितने हैं? 25 नहीं है, अच्छा, ठीक है सर, बात समझ गए? तो यस सर, यस सर, ठीक ये आप भाई सॉल्व कर लिया और क्या? सो सिंपल है क्वेश्चन, सर, थैंक यू इट्स सर। ओके, वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। ठीक है भाइयों, ठीक है, अच्छा लगा बहुत। अब जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो हमने आपको असाइनमेंट दिए हैं, उसमें से बात कर लेते हैं चुटकी मुटकी। स्टैट्स के बाद यार मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कराऊंगा मैं, 12 क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, 10 तो आ ही जाते हैं। स्टैट्स का इसको करेंगे यार, बाइनरी नंबर के बाद ये करेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 732 करना है आप लोगों, 728, सॉरी 728, दिख रहा है? फैब आ गया सर, क्या प्लान है आपका? प्लान मैं नहीं बनाता, प्लान वो बनाती है, मैं बस फॉलो करता हूं। तेरा क्या प्लान है? है पहले तू अपना प्लान बता मुझे, मेरे प्लान की बातें कर रहा है तू? कौन से प्लान की बात कर रहा है, मतलब कौन से जूम सेशन की बात कर रहा है, कि मतलब वो जो फैब में डेज आते हैं, प्रॉमिस डे, हग डे, उसकी बात कर रहा है? इस पर इस्लामाबाद लेने का प्लान है, 3 साल से कोरोना के चक्कर में रुका था। बट आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? आ जा थोड़ा इधर आ जा। फोर्टीन का आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान 15 का होता है बेटा, 14 का नहीं। 14 के तो सब निकलते हैं बाहर, ठीक है ना? तो इतनी भीड़ में क्या जाना, हम जाते हैं 15 को, जब सब निपट चुके होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो कह रहा है ए यूनियन सी बताओ, तो यार ये कोई क्वेश्चन थोड़ा है यार। आपको पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन नहीं है। आपको पता है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है,
पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी किसके इक्वल होता है? वन के, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है ना। तो अब यहां पे पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? पी ऑफ ए की वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू पी ऑफ ए रहने दो, और पी ऑफ बी कितना है? थ्री बाय टू पी ऑफ ए। और पी ऑफ सी कितना है? वन बाय टू पी ऑफ बी। ये कितना हो गया? फाइव बाय टू पी ऑफ ए। और पी ऑफ बी कितना है? थ्री बाय टू पी ऑफ ए, तेरह बटे चार हो गया पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए आ गया चार बटे तेरह। एक मैं चेक कर लेता हूँ, एलसीएम लेके मैंने ठीक किया ना। हाँ, चार बटे तेरह। तो पी ऑफ ए आ गया चार बटे तेरह, तो पी ऑफ बी आ गया तीन बटे दो इंटू चार बटे तेरह, छह बटे तेरह। और पी ऑफ सी आ गया हाफ इंटू पी ऑफ बी, तीन बटे तेरह। निकालना क्या है? पी ऑफ ए यूनियन सी, पी ऑफ ए यूनियन सी क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी। पी ऑफ ए कितना है? चार बटे तेरह प्लस तीन बटे तेरह, सात बटे तेरह आंसर आ गया, सात बटे तेरह। है कोई ऑप्शन? यस है, क्यों नहीं, सी ऑप्शन चमका भाई। हाँ, जूम पर मीटिंग। आजकल तो क्लास में नहीं आ रहा कार्तिक यार, एवरीवन इज मिसिंग यू यार, एवरीबडी यार, क्लास का माहौल ही नहीं बन पाता जब तू क्लास में नहीं आता तो। यार आया कर यार, क्लास में आना चाहिए यार। समझ पाए हैं बातों के नहीं? यहां तक क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर 731, क्वेश्चन नंबर 731 एंड 738 अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 731 एंड 738 अभी करना है। बाहर से निकल रही है, इसको मैं बांध लेता हूं। इसने बोला है कि मैं खुले बालों में बहुत अच्छा लगता हूं, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो भाई आई विल बी very happy teaching with this look. If you say, तुम भी कहोगे सर कैसी बातें करते हैं यार, पढ़ाते है ही नहीं। सात सौ अड़तीस में क्या है? S दे रखा है A union B, मतलब exhaustive event है। सैंपल स्पेस ही ए यूनियन बी, एग्जॉस्टिव इवेंट है, और आपको कह रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू वन होगा, और पी ऑफ ए जो है, पी ऑफ ए रहने दो क्योंकि पी ऑफ ए तो निकालना है, पी ऑफ ए को मत छेड़िए। पी ऑफ बी हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए आ गया एक बटे चार। आया किसी का? आया सॉरी सर अमन, क्या हुआ? काहे सॉरी मांग रहे भाई? जॉन अब्राहम फ्रॉम धूम। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन है 731,
कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ द मेकर, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द मेकर का मतलब होता है ए डेल्टा बी। कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस टू टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एक बटे दो तीन प्लस एक बटे दो माइनस दो बटे छ, पिट गया पिट गया, एक बटे दो पटक के मारो पटक के मारो। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? एक बटे दो बी ऑप्शन। सागर तोमर बहुत बढ़िया, दिव्या ओके है मामला, बहुत बढ़िया, क्लैरिटी आ गई, दोनों बेसिक क्वेश्चन कराए, कुछ खास नहीं कराया। बोलो आई क्लैरिटी की नहीं, फीलिंग आई की नहीं? आज 10-12 बच्चे मुझसे मिलने आ रहे हैं, दिल्ली आए हैं, किसी इंस्टीट्यूट में फंस गए बेचारे, वहां पढ़ाते नहीं है, तुम्हें पता ही है मैं नाम लेना नहीं चाहता, एवरीबडी नोज हिम, ठीक है ना, अभी नया नया खोला है उन्होंने इंस्टीट्यूट, भाई वहाँ पे बुरा हाल हो गया, अभी मिलने आ रहे हैं मुझसे, कह रहे हम बीच में छोड़ के घर जा रहे हैं वापस, हमें पढ़ना ही नहीं है उनके पास। मतलब कहने का ये है कि मतलब इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों को, लिमिट ही क्रॉस हो गई है। देखो यार रखना, कभी भी कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे आप अभी पढ़ने या किसी को भेजोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आजकल, ठीक है ना, काटा जाता है आजकल बच्चों को, बेवकूफ़ बनाया जाता है। अरे शिवांश तू भी वहीं का है क्या? हाँ वहीं से आ रहे हैं बेटा, जो दिखता है ऑनलाइन बेटा वो जरूरी नहीं ऑफलाइन हो, ध्यान रखना। तू भी वहीं पढ़ता है क्या? यस मेट्रो के पर। जो ऑनलाइन दिखे वो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। अब कई लोगों ने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही अपना करियर पढ़ा स्टार्ट किया। मेरे पास तो कई ऐसे टीचर्स हैं जो CAPF की पढ़ने की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और एकदम अनअकैडमी वालों ने कॉल कर दिया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अब करियर खराब हो गया, तो पढ़ने लायक तो रहे ही नहीं, अब एज भी निकल गई, पैसों का वो लग गया, मोह आ गया पैसों का, मोह कहते हैं ना मतलब। अब हुआ ये, मैं क्वेश्चन देता हूँ पहले फिर आप करते रहना, हुआ ये अब एज निकल गई और अनअकैडमी वालों ने मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों ने मना कर दिया, अब भाई परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए लाइफ में पढ़ाई पहले, अर्निंग बाद में, पहले आपको इतना एक्सेल कर लो कि कोई आपको खरीद ही ना पाए, इतना एक्सेल कर लो कि आपको कोई खरीद ना पाए, और अपना आपको इतना कीमती बना लो कि कोई खरीद ना पाए। क्वेश्चन नंबर 744 अभी करने हैं। तो जीवन जो है आपकी क्वालिटी से चलेगा, तो इसलिए पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको हो सकता है कि उस रास्ते पे ले जाए जहां आपको सिर्फ बाहर की खूबसूरती दिखेगी, टेम्परेरी कहते हैं उसको, टेम्पोररी खुशी। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अपनी पहले एजुकेशन पे काम करना है, ये नहीं कि पैसा दिखना स्टार्ट हो गया तो बस लग गए, पैसा तो कमा ही लेंगे जिंदगी भर, जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है। अपनी एजुकेशन पे काम करो, अपनी नॉलेज पे काम करो, नॉलेज इज पावर, नॉलेज विल टेक यू एनीवेयर, ठीक है ना। ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.25, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर चचा ये तो इंटरसेक्शन तो जरूरी हो गया। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओनली ए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पता है ना ओनली ए होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक तरह से जीरो ही हो गया, तो पी ऑफ ए आ गया, और व्हाट इज दिस, दिस इज पी ऑफ डी बी मतलब ओनली बी,
पहली वीडियो बनाई है मैंने अगेंस्ट, बट डाल नहीं रहा यूट्यूब पे, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो ये वीडियो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, तुम शॉक हो जाओगे। मतलब ये पी ऑफ ए और पी ऑफ बी आ गया, आपको निकालना क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नीदर ए नॉर बी। अब ये नीदर ए नॉर बी कैसे निकलता है, वन माइनस ईदर ए और बी से, और इधर ए और बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन तो लेना नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वन माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी 0.5 प्लस 0.25 0.75, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, है ए ऑप्शन है, समझ लो भाई। पूरा का पूरा कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आपकी आज भी ऐड चलाई जा रही है यूट्यूब पे अन अकेडमी के द्वारा, तो मैं सब्सक्रिप्शन लेने ही वाला था तो आपको कॉल कर लिया, और ऐसे कुछ स्टूडेंट कॉल वो ले चुके हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है अगेंस्ट ना उसके, लेकिन मैं डाल नहीं रहा उनका, जल्द छोड़ यार, क्या ही करना है, क्या ही व्यूज के चक्कर में पड़ के करना है, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं व्यूज बढ़ाने के लिए बना रहा हूँ, नहीं, तो बच्चों की अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। 10 से 11 हजार रुपये लेते हैं पूरे कोर्स का वहां पे, और पहले की बात मुझे नहीं पता भाई, अब तो माहौल बहुत खराब हो गया है, और वो भी कोई कस्टमर केयर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, तो थिंग्स आर वेरी बैड इन मार्केट। तो प्लीज ध्यान रखिए कि भाई उल्टी पुल्टी जगह ऐसे ज्वाइन नहीं करना, पूरा का पूरा अच्छे से देख के ज्वाइन करना है, कहीं भी करना है, आगे फ्यूचर में किसी अपने छोटे भाइयों को बहनों को लेके जाना है कहीं, तो देख के कटना नहीं चाहिए। द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन ऑफ द, कभी भी एटलीस्ट वर्ड यूज आ जाए तो मान लो यूनियन दे रखा है, क्या दे रखा है, यूनियन, कितना है 0.6। If A and B occur simultaneously with the probability, simultaneously word कभी दिख जाए तो intersection दे रखा है। P of A complement plus B of B complement निकालना है, तो union B का formula लगा 0.6 equal to P of A plus P of B minus intersection। तो P of A plus P of B कितना हो जाएगा, 0.8। निकालना क्या है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी 0.8, तो 1.2 है क्या ऑप्शन, चेक करना किसी का सी आया क्या, मैं हाँ हाँ निकाल दिया है, कोई बात नहीं छोड़ो। हाँ जी, मैंने तो सबसे बात ही करनी छोड़ दी यार, बात ही करनी छोड़ दी यार, दे कॉल मी आई डोंट पिक। हाँ अभी मिलाता हूँ आपको, बच्चे आने वाले सारे के सारे ना, हाँ बच्चों से मिलवाता हूँ तुम्हें। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसी बातों में इतनी उलझ गए तुम, कहीं इमोशंस बाहर आ जाते हैं मेरे, कहीं ना कई बार ना इमोशंस आ जाते हैं बाहर, ये मैं ना इसको अगर क्लिक करूंगा तो ये रब हो जाएगा यार, पहले बता रहा हूं मैं। हाय रब्बा, चचा 748 कर दे,
759 कर दे, ठीक है 758 भी कर दे। तीन क्वेश्चन करके दिखा यार जल्दी से, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ 758, 759, 748। कर लो ना सारे जल्दी, क्या है ये कर भी लिया आपने, ये वाला करा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, ये वन माइनस करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है 0.25 प्लस 0.4 माइनस वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, 0.65, 0.35 डी आ गया इसका, तो यहाँ आ जाओ इनको करिए करिए। मैं आया करिए मैं आया बीस का एक लड़का, एंड बी आर टू इवेंट, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, और आपको कह रहा है कि बताइए पी ऑफ ए यूनियन बी क्या 3/4 से बड़ा होगा। लेट्स सी, ये क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 758। तीन बटे चार, पांच बटे आठ, पहला ऑप्शन है कि पी ऑफ ए यूनियन बी जो होना चाहिए वो 3/4 से जो भी दिख रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, चेक करना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी होगा कितना, 3/4 प्लस 5/8 माइनस कितना, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 4 × 2 = 6, 11/8 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी कितना हो सकता है मुझे बताओ, ए और बी अगर दो इवेंट है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब ए और बी, ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, या तो बी के अंदर ए हो तो इंटरसेक्शन ए होगा, या ए के अंदर बी हो, या आप कह सकते हैं ए और बी में जो छोटा नंबर होता है उतना हो सकता है मैक्सिमम। बेटा आवाज आ रही है, क्योंकि लाइट चलेगी, देखो बेटा आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है देखो, हाँ तो मैं कह रहा था कि ए यूनियन बी की वैल्यू कम से कम वो कह रहा कितनी होगी, तो ऑब्वियसली बात है जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो इसकी लीस्ट आएगी, इसकी लीस्ट रखोगे तो इसकी मैक्सिमम आएगी। अब आती है बात, लीस्ट की बात करूं तो वो जीरो होगी जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है,
लेकिन ऐसा होगा नहीं, या तो मैं देख पा रहा हूँ ए और यूनियन बी में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा होगा नहीं। अभी देखते हैं, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 3/4 और 5/8 में छोटा कौन है। ये कितना है, 0.725, 0.7 28, 0.75 है। हाँ भाई, 4 7 28 और 0.75 है। और ये कितना है, 0.86 48 2, ऐसा कुछ कुछ है। छोटा कौन है, छोटा ये है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछू ना, कभी भी इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कहां तक जा सकती है, तो ए और बी की जो अंदर छोटा नंबर होगा वहां तक जा सकती है। तो छोटा नंबर कौन है, 5/8। तो 11/8 में से आप 5/8 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 6/8। 6/8 का मतलब है 3/4। तो ए यूनियन बी की लीस्ट वैल्यू जो होगी, क्योंकि तो आप किसी पॉजिटिव नंबर में से कुछ घटा रहे हैं, तो इसकी अगर आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है, लीस्ट होती है बेटा, ये साइन लीस्ट का होता है, इसको मिनिमम कहते हैं। तो अगर आपको किसी चीज की लीस्ट वैल्यू निकालनी है ऐसे एक्सप्रेशंस में, तो आपको माइनस होने वाले को मैक्सिमम माइनस करना पड़ेगा। और मैक्सिमम क्या चीज है, इंटरसेक्शन। और दो इवेंट में इंटरसेक्शन मैक्सिमम दोनों की प्रोबेबिलिटी का छोटे वाला नंबर होता है। यहां तक क्लियर है? तो पहला वाला ऑप्शन तो भाई कती राइट है। कौन सा राइट है, कती राइट। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, तो कितना आ रहा है, 4 दुनी कितना आ रहा है, 11/8। अब 11/8 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पक्का नहीं है। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर हो जाएंगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो मैक्सिमम तो 3/4 है। अब उसको मिनिमम को आप ऐसा नहीं है कि 0 कह दोगे। सोचिए, आपने इंटरसेक्शन की वैल्यू को मिनिमम 0 कह दिया। अगर आपने इसको 0 कह दिया तो आप सोचिए यूनियन की प्रोबेबिलिटी 11/8 1 से बड़ी हो जाएगी। इज इट पॉसिबल? तो अगर आपको इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है, तो आप इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू इस प्रकार ढूंढिए कि ये 1 से छोटा रहे। अब ये सोचिए 1 कब होगा, ये 1 होगा 3/8 पे। 3/8 मिनिमम होगी, 3/8 से छोटी वैल्यू ले सकता मैं। अगर 3/8 से छोटी वैल्यू मैंने ले ली, तो फिर यूनियन मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो रही है। तो आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर, वो 3/8 से 3/4 है। और दूसरी बात, वैसे अगर कोई पूछता है ना नॉर्मल विदाउट डाटा कि इंटरसेक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और मैक्सिमम होती है ए बी में जो छोटा नंबर होता है उसके। लेट्स सी, ये वाला ऑप्शन भी मुझे लगता है दिया होगा। लेट्स सी, दे रखा है कि नहीं। हाँ, दे रखा है 3/8 से 5/8 दे रखा है। ये क्या भाई, हाँ ये 5/8 था ना, सॉरी सॉरी यार, 5/8 था। मिनिमम मैक्सिमम तो मैंने 5/8 लिया ना यार, ठीक है ना, 5/8। ये 3/4 तो इसकी मिनिमम आई थी ना, इसकी मैक्सिमम तो 5/8 ही थी ना, 5/8 ही तो यूज करी मैंने, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी ठीक है चचा, और ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। अब यहाँ ये पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू 1/4, P of B intersection A complement. P of B intersection A complement. इसका मतलब होता है only B. P of B minus P of A intersection B. P of B कितना है? 5/8 minus P of A intersection B. और ये कह रहा है कि मैक्सिमम 1/4 है। तो अगर कभी किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो आपको यहाँ पे मिनिमम डालनी है। और इसकी मिनिमम वैल्यू अभी हमने खोजी है। व्हाट वी खोज्ड, 3/8। तो 5/8 माइनस 3/8
कितना हो गया, 2/2, सॉरी 5/8 माइनस 3/8, 2/8, 1/4। तो आप कह सकते हैं हमने यहाँ पे जो वैल्यू डाली ये मिनिमम डाली, तो ये पूरा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे भैया। वो मेरे भैया, यो भाई यो भाई यो भाई, तीनों ठीक है, ऑल द अबव। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उमदा क्वेश्चन दिया आपको मैंने, खिलाड़ी क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो, शाबाश, बोलना पड़ेगा। देखो एक ही बार में समझा दिया तुम्हें, मामला प्रकाशित कर दिया। बैक स्लाइड करते हैं, एक मिनट यार, एक कॉल करना है, घर पे कोई है ही नहीं है, तुम्हें छोड़ के चले गए सारे, वो बंद करके चले गए बाहर से, यार ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा कौन करता है बिना बताए वो भी। समझाता हूं, ग्यारह बटे 36 क्लियर नहीं हुआ आपको? 11/36 क्या है? कोई नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या? ये है क्या, टू डाइस आर टॉस वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एट फर्स्ट डाइस फॉर अ टोटल ऑफ 8। अच्छा पहले वाला एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, पहले इसको करूंगा मैं, समझाऊंगा पहले कि पहले वाला क्या था जो समझ नहीं आया।
पहले वाले में बेटा कुछ है नहीं, वैसे सच बताऊं तो ये हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब वो कह रहा है कि अब सोचो ना, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस जितना ज्यादा माइनस होगा उतनी इसकी छोटी वैल्यू है। क्वेश्चन में छोटी ही मांग रहा है, एक छोटे का साइन होता है, ये साइन किसका होता है, छोटे का, इसको एटलीस्ट कहते हैं। तो आप मुझे बताइए इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी जब ए बी का सबसेट होगा, मतलब ए बी के अंदर होगा उस केस में, लेकिन ए बी के अंदर नहीं है, बी ए के अंदर है क्योंकि बी छोटा है ए से। तो बी अगर ए का सबसेट है, ये अज्यूम कर लूं मैं कि बी ए का सबसेट है, तो उस केस में इंटरसेक्शन की वैल्यू 5/8 हो जाएगी, तो सॉल्व करके आ जाएगा 3/4। इस तरह से सोचना होता है, थोड़ा दिमाग लगाएगा ना तो और क्लियर होगा। टू डाइस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एट फर्स्ट डाइस, और हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यूनियन का क्वेश्चन है, ये और हमें इंडिकेशन दे रहा है यूनियन का क्वेश्चन है, टोटल ऑफ एट, दो डाइस उछाले हैं, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस यूनियन सम इज एट, सम इज एट, तो इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस प्लस सम इज एट माइनस कॉमन, इवन ऑन फर्स्ट डाइस इंटरसेक्शन सम एट, इवन ऑन फर्स्ट डाइस के 18 केस होंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरीके से 18/36। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 6 1 6 2 6 3, सम 8 के, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 5 केस होते हैं 8 के। अगर आप वो बना के करना चाहते हो बना लो, या ऐसे ही मन में कर सकते हो, 4 4 5 3 5 6 2 2 6, कौन से केस है, 4 4 2 5 5 2 6 2 2 6 1 2 3 और 4, ये 4 केस इसमें ऐसे हैं जो कॉमन है, तेईस में से 14 गए, 19/36 है क्या ऑप्शन, अरे ये क्या बात हुई, इवन ऑन फर्स्ट डाइस, इवन नंबर एट द फर्स्ट डाई और टोटल ऑफ एट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एट फर्स्ट डाइस, नन ऑफ दिस होगा, इवन 18 हो गए, सम कितना होता है, 4 4 2 5 2 3 3 5 5 3, 6 2 2 6, कितने केस हैं, 3 ही केस हैं, 23 में 3 के 20/36, ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है यार, क्या हुआ, 20/36 नहीं आएगा आंसर, 10/18 आएगा ना, 4 से जा रहा है ना, 4 5 4 9, डी ऑप्शन है इसमें, क्या दिक्कत आ रही है, चेक करें आंसर, 759 है ना, डी आर एफ,
कहा था 759 था ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो बता दो बता दो। देखो ये क्वेश्चन है, नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडे और सैटरडे 2/7। नॉन लीप ईयर 53 फ्राइडे और सैटरडे 2/7। ये सब हो जाएंगे 781। क्वेश्चन नंबर 783 करके दिखाएंगे अभी, 783 करेंगे अभी। सेवन सेवेंटी करेंगे अभी, तीनों क्वेश्चन अभी फटाक से। सेवन सिक्सटी नाइन को कोई क्वेश्चन थोड़ा है, मजाक हो रखा है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है दोनों की, दोनों अकरेंस की प्रोबेबिलिटी नीदर एंड नॉर बी, 1 -0.25 + 0.5 - 0.1 = 0.75, 0.71, 0.69, 0.39 आ गया। अ डाई इज थ्रोन लेट ए डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। ए किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6। बी डिनोट द नंबर लेस देन 5 मतलब 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन कितना आ गया, सिर्फ 4। प्रोबेबिलिटी किसकी, ए यूनियन बी निकालना है। 3/6 + 4/6 - 1/6 = 4, 3, 7, 6/6 वन है क्या आंसर डी, 770 का डी। एक बच्चा कोई कॉल कर रहा है, देख लेता हूँ कौन सा है। भाई नजर तो नहीं आता, तू जब करता है चला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 6 हो रहा है, क्वेश्चन ठीक लग रहा है करने के लिए, इसको करिए। डिविजिबल बाय 1 से लेकर 90 के बीच में नंबर चुनिए और क्या चांसेस है वो जो नंबर आए वो डिविजिबल बाय 6 और 8 हो, डिविजिबल बाय 6 या फिर 8 हो, 1 से लेकर 90 के बीच में, 1 से लेकर 90 के बीच में, 1 से लेकर 90 के बीच में क्या चांसेस है कि डिविजिबल बाय 6 और 8 हो। ये 6 और 8 का मतलब है डिविजिबल बाय, ठीक है। कॉमन क्या होगा, जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होता है, 24 से डिविजिबल होता है, जो 24 वाले तो 6 से डिविजिबल कितने होंगे, 15, 6, 90, 15/90। 8 से डिविजिबल वाले 8 * 1 = 8, 2 * 12 = 96, 8 * 1 = 11 हो गया, 24 = 72।
सोलह छब्बीस, छब्बीस तेईस बटे नब्बे, तेईस बटे नब्बे, एक मिनट। ऑप्शन है कोई? एक बटे नब्बे कितना था? तेईस बटे नब्बे, बी ऑप्शन। चेक कर लो एक बार यार, एक आता हूँ मैं यार जरा ना, घर वाले पता नहीं कहाँ चले गए मुझे छोड़ के बिना बताए, कॉल भी ना उठा रहे यार, बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा आज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, बता। वो सर टैग करे मैंने आपके नाम पे ऑर्डर करी। हाँ जी टेस्ट करी सर, ऑर्डर करी थी। सिर्फ चीजें फोन पे कर लियो बात भाई, अभी तो बताया मैंने। वो सर मैं अभी आया हूँ क्लास में। क्या टाइम पे नहीं आता क्लास में क्या? सर वो रिकॉर्डिंग देखता हूँ इसलिए पूछ रहा। रिकॉर्डिंग देख फिर यार, लाइव क्यों आ रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? यहाँ तो लाइव आना है, रिकॉर्डिंग देखना है, बीच में आके क्या फायदा है? टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहा हूँ। कॉल पे पूछना यार। ठीक है सर। ठीक है कल एक क्वेश्चन देखा था, वो कराने का दिल है एक्चुअली। ये देखिए हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2015 के पहले पेपर का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए यूनियन बी दे रखा है तीन बटे चार, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है दो बटे तीन, तो पी ऑफ ए हो जाएगा एक बटे तीन, पी ऑफ बी निकालना है और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो एक हो गया, एक माइनस दो बटे तीन आ गया। बताओ ऐसे बैंगड़ बैंगड़ क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ये 2015 का क्वेश्चन है, शैतान की कसम मजा आ गया क्वेश्चन करके। ठीक है मतलब इतने इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ हेमंत लेनी चाहिए यार। सर जी और आएगा है, हितेश यूनियन आएगा सर जी जहाँ और। हाँ बेटा वो यूनियन होता है, और नाइदर ए नॉर भी लिखा है तो समझ ले यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है। बात समझ गए? नहीं समझे? ये पेपर एनडीए पेपर 2015 का पहला पेपर था, दूसरे पे आ। ये देख ये तो अभी कराया नहीं है, कल हो जाएगा ये, आज रात को देख लेगा टाइम मिला तो।
क्वेश्चन था यार, याद नहीं आ रहा कहाँ था। कहाँ गया वो क्वेश्चन? वो करवाना है मुझे, उसको करवाने का दिल से लाग रहा है मेरा। Here, what is the probability that sum is neither 8 nor 9? Two pair dice are thrown, what is the probability that the sum is neither 8 nor 9? Here, those are, sir, previous question. अच्छा कल परसों छुट्टी है मेरी ऑफलाइन क्लासेस की, ठीक है, पूरा फ्री हूं मैं। सुबह से स्टार्ट करेंगे, रात को उठेंगे प्रोबेबिलिटी खत्म करके, ठीक है, धागा खोल देंगे कल ही। आया, आ भी गया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सम नीदर सिक्स नोर, तो वन में से सम सिक्स सम एट। अब इसमें कॉमन तो कुछ होगा नहीं यार, सम सिक्स के अलग केसेस होते हैं, सम एट के अलग केसेस होते हैं। सम सिक्स के कितने केस होंगे वो लगा सकते हो, एक दो तीन चार पांच छह, पांच चार तीन दो एक बोला। वैसे सम सिक्स के कितने केस होंगे, पांच एक, एक पांच, चार दो, दो चार, चार चार, तीन तीन, पांच बटे छत्तीस। आई थिंक इसके भी पांच ही होंगे, आठ के भी, छह दो, दो छह, पांच तीन, तीन पांच, चार चार, दस बटे छत्तीस, छब्बीस बटे छत्तीस। ये तो नहीं आ रहा आंसर। हेलो, ये कहां चाबी हाँ, ये सम सिक्स
नीदर सम एट और सिक्स है ना, ये दोबारा कर लेते हैं, पता चल गया कहाँ लगे, कहाँ गए हुए सब। सिक्स यूनियन आठ, तो सिक्स का सम कितना होगा, तीन तीन चार दो, दो चार पाँच एक, एक पाँच छ, पाँच के सम आठ के कितने होंगे, चार चार पाँच तीन, तीन पाँच छः दो, दो छः, ये है ना। अच्छा सम नौ है क्या, मैं सम आठ क्यों लिख रहा हूँ बार बार यार, यार पागल हो गए मैं, हे भगवान मैं भी यार, सम नौ है यार, सम छः के कितने केस हैं, पांच, और इससे कितने केस हैं, छः, इसके तो छः कितने होंगे, सम नौ के कितने होंगे, पांच चार, पांच चार केस हो जाएंगे, नौ बटे छः, तीन बटे चार है क्या आंसर, मैं सम आठ पता नहीं क्यों ले रहा था यार, मुझे नौ आठ दिख रहा था यार, हाँ होता है कई बार, ठीक है ना, कई बार हो जाता है। I think same mistake happened in three previous question. मतलब ऐसे गलत लिखने की, छह नहीं है, हे भगवान ये खड़ा हो रहा है मेरे साथ, नींद में मेरी पूरी है, सम आठ और सम नौ है क्या, ओ भाई तो चेक करवाना पड़ेगा। सम आठ के कितने केस हैं, सम आठ के पांच केस, सम नौ के चार केस, पांच चार नौ, नौ चौका छत्तीस, आंसर वही आया है तीन बटे चार ही, आंसर वही आया है, आंसर तो तीन बटे चार ही है, उसमें क्या है, ठीक है भाई क्लियर है यहां तक। Look at previous question. I have a little doubt. Sir, please look at the previous question. मतलब इससे पहले वाला question, ठीक है? मतलब मुझे निकालना पड़ेगा अपनी file जो है मेरी. Previous question मतलब इसी के अंदर. अरे यार. Call पे आजा. Call पे. Call पे आ. हाँ. कॉल पे है बेटा, क्या नाम है, हेमंत भाई, हेमंत कॉल पे आ जा बेटा, हेलो। हाँ कौन सा क्वेश्चन है यार सर, वो PYQ का है सर, ना बता ना, तूने भी तो पढ़ा होगा, लिखा होगा कुछ तो, सर 1/3 आ रहा है उसका आंसर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो सर मुझे याद नहीं, कंफर्म नहीं, क्वेश्चन याद नहीं है तो आंसर कैसे आ गया 1/3, सर इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था ना 2016 का था, किसका था सर, देखा नहीं था सर मैंने इतना, तो कर क्या रहा तू फिर वहां बैठ के, ढूंढना पड़ेगा यार, कहाँ ढूंढूंगा मैं अब, चलो छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं, बताना कुछ तो आइडिया दे, मैं बता देता हूँ सर, वो क्वेश्चन याद नहीं है सर, मैंने आंसर तो निकाला था उसका, आपने शायद ये मिसप्रिंट किया था सर, उसमें आपने सर
ये लग रहा है मुझे, ये वाला ये लग रहा है भाई, रुक जाओ दिखाता हूँ तुझे, ये वाला क्या, हाँ सर यही है, सर यही है। इसमें क्या दिक्कत है, गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ शायद आपका शायद 2x3 टू, आया था सर। मैं चेक करता हूँ भैया, 1/3 प्लस पी ऑफ बी माइनस 1/4, 2/3 आ रहा है, नहीं आएगा क्या? तेरा क्या आ रहा है? 1/3 आ रहा था सर। गलती देख लेना, ये ए यूनियन बी है, ये पी ऑफ ए, तूने 2/3 तो लिख दिया यहाँ पे। अरे सर PF, अच्छा अच्छा सही है सर, मुझे वाह, यो कॉम्प्लीमेंट वो बाहर है। नहीं देखा था सर, वो बाहर नहीं देखा था। ठीक हाँ वो थोड़ा सा ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत कभी कभी चीजें ब्लर हो जाती है, ठीक है, है सर, कोई बात नहीं चलिए भाई, कोई बात नहीं, क्लैरिटी यस, आ गई, फीलिंग आ गई, ठीक है, मिलते हैं ओके रात को बेटा, हवेली पे, हवेली पे नहीं मतलब अपनी ऐप पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्वेश्चन जो कराया उसको रिवाइज करिए, अभी होमवर्क नहीं दिया, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।